الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين انتہائی قابل عزت قابل احترام ذی قدر و ذی وقار بزرگو بھائیو عزیزو نوجوان ساتھیو السلام علیکم دعا اور التجا ہے دربار الہی کے اندر کہ اللہ مجھے حق سچ کہہ سکنے سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کے بعد مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ سینکڑوں اور ہزاروں بار آپ کے سامنے کیا اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والے قرآن کا تذکرہ اس کتاب اور اس اللہ کے کلام کی عظمت فضیلت تعریف اور تعارف یہ بھی کرواتا رہا پھر جن واسطوں سے صحابہ کرام سے قرآن کریم امت تک منتقل ہوا ان کا ذکر بھی ہوا آج میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے سامنے اس عظیم ہستی کا تذکرہ کروں کتاب و سنت کی روشنی میں اس عظیم ہستی کا تعارف کرواؤں وہ کون سی عظیم ہستی وہ عظیم ہستی جو اللہ اور پیغمبر کے درمیان واسطے کا کام کرتے رہے جبریل امین کہ جس جبریل نے قرآن آپ کے قلب اطہر پہ اللہ کے حکم سے اتارا بلکہ اگر کہوں ہری پور والو تو تمام انبیاء کے پاس
अल्लाह की तरफ से वही लाने वाले फरिश्ते का नाम क्या है? जिब्राइल अमीन। आप हैरान होंगे, किताब व सुन्नत से मैं आज उनका तारुफ आपके सामने पेश करता हूं। चूंकि जिब्रील की निस्बत भी कुरान से है, आइए सबसे पहले यह देखिए कि जिब्रील कौन है। जिब्रील अल्लाह का फरिश्ता है। फरिश्ता कौन होता है? फरिश्ता नारी नहीं होता, फरिश्ता खाकी नहीं होता, फरिश्ता नूर से पैदा है। किससे? नूर से पैदा है। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुलिकतिल मलाइकतु मिन नूर। अल्लाह के फरिश्ते नूर से पैदा किए गए। وَخُلِقَ الْجَانُ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ, और जिन्नात आग से पैदा किए गए, और आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से पैदा किए गए। तो इंसान खाकी हैं और जिन्नात नारी हैं और फरिश्ते नूरी है। फर्क इतना है कि इंसान जिस शक्ल में है उसी शक्ल में रहता है, खाकी जो है रूह पड़ी है। मर्द भी होते हैं, औरतें भी, मुजक्कर मुअन्नस। इसी तरह जिन आग से पैदा हैं, लेकिन उनमें दो बातें हैं। एक यतशक्कलु बिअश्कालिन मुख्तलिफा, जिन्नात मुख्तलिफ शक्लें अपना सकते हैं, कभी एक शक्ल कभी दूसरी शक्ल में आ सकते हैं। और दूसरी बात जिन्नात में कि युज़क्कर व युअन्नस, उनमें मुज़क्कर यानी मर्द भी होते हैं औरतें भी, नर और मादा भी होते हैं, शादियां भी करते हैं, बच्चे भी जनते हैं। और तीसरी मखलूक मलाइका, जिन्हें फरिश्ते कहा जाता है। इनके बारे में नूर, जिस्मुन नूरानियुन, ये नूरानी जिस्म है। यतशक्कलु बिअश्कालिन मुख्तलिफा, मुख्तलिफ शक्लें अपना सकते हैं। ला युज़क्कर वला युअन्नस, उनमें कोई मुज़क्कर मुअन्नस नहीं होता कि ये मर्द है और ये क्या है, ये औरत है। नर मादा उनमें नहीं, शादियां नहीं करते, बच्चे उनके नहीं होते। नूरानी मखलूक है। और उन नूरानी मखलूक में यानी फरिश्तों में सबसे आला, सबसे शान वाला, सबसे मर्तबे वाला, यानी अगर कहूं सैयदुल मलाइका है तो वो जिब्रील है। वो कौन है? जिब्रील है। ये लफ्ज दो तरह इस्तेमाल होता है, एक जिब्रील जैसे कितमीर, और एक जबरील, क्या जीम के जबर के साथ, और एक लफ्ज इस्तेमाल होता है जिब्राइल, क्या जिब्राइल। ये सारे नाम है। मतलब क्या है? अल्लामा इब्ने आशूर ने अपनी तफसीर अत्तहरीर व तनवीर में, और अल्लामा इब्ने अतिया ने अपनी तफसीर में लिखा है कि जिब्रील का माना होता है, जबर इब्रानी जबान में बंदे को कहते हैं, किसको बंदे को कहते हैं, और ईल इब्रानी जबान में अल्लाह का नाम है। किसका नाम है? तो अब माना होगा जिब्रील यानी अल्लाह का बंदा। किसका बंदा? अल्लाह का बंदा। जिस तरह के याकूब अलैहिस्सलाम का नाम है इसराइल, क्या
तो इसर का माना होता है बंदा, गुलाम, और ईल का माना होता है अल्लाह। तो इसराइल याकूब अलैहिस्सलाम का लखब है, इसका माना क्या है? अल्लाह का बंदा। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। तो जिब्रील सैयदुल मलाइका हैं, तमाम अंबिया पर वही लाने वाले यही फरिश्ते हैं। मैं आपके सामने अरब का कुरान पढ़ने लगा हूं, ये मेरे सामने सूरतुल बकरा आयत नंबर 96-97 अल्लाह का कुरान क्या कहता है? मन कान अदुवल जिब्रीला कुल मन कान अदुवल जिब्रीला فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ। दिमाग हाजिर रखिए तो कुछ आपके दिल दिमाग में मोती कुरान के उतरेंगे। यहूदी आए नबी करीम के पास, कई सवालात पूछे उन्होंने कि इन सवालात का जवाब नबी के सिवा कोई नहीं दे सकता। उनके हर सवाल का जवाब मेरे पैगंबर ने दिया। उन्होंने ये सवाल भी पूछा कि जी नबियों पर वही कौन लाता था? अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया जिब्रील लाते थे। जब आखिरी बात अटक गई आके तो उन्होंने बहाना तलाश किया इनकार का, वो क्या है? कहने लगे अच्छा आप ये बताएं आप पर वही कौन लेके आता है? नबी करीम ने फरमाया यहूदियों मुझ पे वही लाने वाला भी जिब्रील है। कौन है? जिब्राइल वही लेके आता है। तो फौरन कहने लगे सारी बातें ठीक है, इस वजह से हम नहीं मानते कि आप पर जिब्रील वही लेके आता है, और ये जिब्रील वो फरिश्ता है, हमारा पुराना दुश्मन है। यहूदियों ने क्या कहा? ये जिब्रील हमारा पुराना दुश्मन है। अच्छा अब तुम्हारा कैसे दुश्मन है? कहने लगे यही वो फरिश्ता है कि हमारे आबाओ अजदाद और हमारी कौमों पे सजाएं ये लेके आया है। और ऐसा ही हुआ है कि कौमों की बस्तियां जिब्रील ने उल्टी हैं, चीख भी जिब्रील ने लगाई, कलेजे फट के कईयों के। तो कहा ये हमारा पुराना दुश्मन है, ये हमारे ऊपर अजाब ही हमेशा लेके आया है, लिहाजा अगर ये ना कोई मिकाइल वगैरह वही लेके आए तो फिर मान जाए। बात समझ में आ गई? ये खत जो लेके आया है ना, ये डाकिये का नाम फुला है, अगर फुला ना लेके आता, फुला लेके आता तो फिर ठीक होता, तो मिकाइल वही लाते तो हम मान जाते। कुरान ने उसका जवाब यूं दिया, फरमाया कुल मन काना अदुवल जिब्रीला, मेरे पैगंबर ऐलान कर दीजिए जो कोई दुश्मन हो जिब्रील का, फइन्नहु नज़्ज़लहु अला कल्बिका, तो यह कुरान जिब्रील का नहीं है, बेशक कुरान तो जिब्रील ने आपके दिल पे उतारा है बिइज़्निल्लाह। किसके हुक्म से? जिब्रील सिर्फ लाने वाला है। जालिमों ये कोई वजह नहीं बनती, कोई तुक नहीं बनती इनकार की। खत मुझे कराची से हिजबुल्ला भाई भेजे जी, और लाने वाला यहां कालस का कोई बंदा हो, मैं खत ओ आप लेके, इसलिए मैं इसको नहीं मानता हूं। ये खत अगर अली चंद लेके आता तो फिर मैं मान जाता, फुलां लेके नहीं, मैं नहीं मानता। तो अकलमंद मुझे यही कहेगा मौलाना साहब आप कैसी बात करते हैं, खत लाने वाले को ना देखिए, खत भेजने वाले को देखिए। तो जिब्रील तो कुरान नाजिल करता है आपके दिल पर किसके इजाजत से, हुक्म से?
बाकी कुरान तो अल्लाह का है, कलाम तो मेरे रब का है। मुसद्दिकल लिमा बैन यदैही, ये कुरान पहली किताबों की तस्दीक करने वाला है। वह हुदन और हिदायत है, वह बुशरा लिल मुमिनीन, और मोमिनों के लिए बशारत है कुरान। अब सुन लीजिए जिब्रील का मकाम, फरमाया मन कान अदुवल लिल्लाह व मलाइकतिहि व रुसुलिहि व जिब्रील व मीकाला फइन्नल्लाह अदुवल लिल्काफिरीन। मेरे पैगंबर कह दीजिए, सुन लो कायनात वालों, मन कान अदुवल लिल्लाह, जो अल्लाह का दुश्मन हो और उसके फरिश्तों का दुश्मन हो, उसके रसूलों का दुश्मन हो, वह जिब्रील और जिब्राइल का दुश्मन हो, तो सुन लीजिए, या मीकाइल का दुश्मन हो, अल्लाह फरमाते हैं फइन्नल्लाहा अदुवुल लिल काफिरीन, अल्लाह ऐसे काफिरों का दुश्मन है। जिब्रील से दुश्मनी करो और अल्लाह से दोस्ती करो, ये हो सकता है? अल्लाह फरमाते हैं ये काफिर हैं और मैं इन काफिरों का दुश्मन हूं। ये एक मकाम जिब्रील का तआरुफ। आइए जिब्रील का तज़किरा करने लगा हूं कि जिब्रील मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से आपकी मुलाकातें कैसी होती थी। कई सूरतें हैं, अक्सर औकात जिब्रील मेरे पाक पैगंबर से जब मिलने आते तो इंसानी शक्ल में आते थे। अक्सर औकात किस शक्ल में आते थे? इंसान की शक्ल में आते थे। और ये भी आपको आज सुन के बड़े हैरान होंगे कि सहाबाए किराम में से ये वाहिद सहाबी हैं, हजरत दिहिया कल्बी रजी अल्लाह तआला अन्हु। दिहिया क्या नाम है सहाबी रसूल का? हजरत दिहिया, ये वाहिद सहाबी हैं जो शक्ल सूरत में बड़े खुश रंग थे, बड़े हसीन थे। जिब्रील अक्सर इनकी शक्ल में आते थे। सहाबा में ये वाहिद सहाबीन की खसूसियत है, जिब्रील उमूमन इनकी शक्ल में आते थे। एक मरतबा अल्लाह के पाक पैगंबर जलवा अफरोज हैं, दिहिया कल्बी, उनकी शक्ल में जिब्रील आए। गुफ्तगू जारी है, काफी देर बातें हुई, जब उठ के चले गए, हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा ने नबी करीम से पूछा, फरमाया अल्लाह के पैगंबर बड़ी बातें हो रही थी, आपने बड़ी गुफ्तगू फरमाई। फरमाया आयशा क्या आपने उस शख्स को देखा है? फरमाया हाँ अल्लाह के पाक पैगंबर, मैंने देखा है उसको। फरमाया कौन थे? तो हजरत आयशा सिद्दीका कहने लगी फुलां साहबी हजरत दिहिया हैं। कौन है? फुलां साहबी हैं हजरत दिहिया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया आयशा ये दिहिया नहीं, ये जिब्रील उनकी शक्ल में आए थे। ये एक अंदाज। और कभी कभी यूं भी होता कि हजरत जिब्रील अमीन मेरे पाक पैगंबर की मजलिस में आते तो किसी अजनबी देहाती की शक्ल में आ जाते। किसकी शक्ल में? बिल्कुल देहाती, अराबी, अनजान किसी शख्स की शक्ल में आ जाते। जैसे इमाम बुखारी ने ये हदीस नकल की है, मजलिस लगी हुई है, मस्जिद नबवी है, सहाबाए किराम बैठे हुए हैं, यकायक सहाबा फरमाते हैं हमने देखा एक अजीब शख्स अंदर दाखिल हुआ, गुंगरियाले बाल। कैसे बाल? गुंगरियाले बाल, शदीद सवाद शार, शदीद बयाज सियाब, सख्त सियाबाल, और बिल्कुल तेज सफेद कपड़ों वाला,
ला युरा अलैहि असर सफर, कोई सफर के निशानात भी नहीं है कि चलो लंबा सफर करके आयो कि सफर के गर्द गुबार पड़ी हो। वला यारिफुहु मिन्ना अहदुन, और हमने से कोई उसे पहचानता भी नहीं है। मजमा चीरते हुए आगे आया और नबी अलैहिस्सलाम के जानुओं के सामने यूं दो जानुओं के बैठ गया और अपने हाथ नबी करीम के जानुओं पे रखे और पूछने लगा, मल ईमान, ईमान क्या चीज है? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ईमान ये है। फरमाया इस्लाम क्या चीज है? नबी करीम ने बतलाया इस्लाम ये है। फरमाया अच्छा इखलास क्या है? क्या इबादत में इखलास क्या है? फरमाया एहसान ये है, मल एहसान। तो नबी करीम ने फरमाया एहसान ये है, अंताबुदल्लाह का अन्नक तराहु फइल्लम तकुन तराहु फइन्नहु यराक, के अल्लाह की इबादत ऐसे कर गोया कि तू अल्लाह को देख रहा है, अगर ये तसव्वुर नहीं कर सकता तो ये तसव्वुर कर के अल्लाह तुझे देख रहा है। ये एहसान है। सवालात और जवाबात हुए, अगला सवाल भी सुन लीजिए। बहुत सारे नए साथी हैं तो मैं उनको ये कहता हूँ कि इस हदीस के ऊपर मेरा एक मुस्तकिल जुमे का बयान है, उसका उनवान है हदीस जिब्रील। तो मैं इसकी तशरीह इस वक्त नहीं करता, वो एक तफसील तलब है, सिर्फ एक बात की तरफ इशारा करता हूँ। जिब्रील ने सवालात किए तो सहाबा किराम कहते हैं हम भी हैरान हैं, अजीब आदमी है, बाहर से आया, सवाल भी करता है, जवाब सुन के फिर तस्दीक भी करता है, जी हाँ ठीक कहा आपने, जी हाँ आपने ठीक कहा है, ये अजीब आदमी है। फिर पूछा अच्छा कयामत कब आएगी, मतसा? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मल मस्कूल अन्हा बे आलम मिन असाइल, ओ सवाल करने वाले जिस तरह कयामत का इलम तुझे नहीं इसी तरह मुझे भी नहीं है। इस सवाल के जवाब में हर सवाल का जवाब दिया, जब कयामत का पूछा तो फरमाया जिस तरह मुझे इलम नहीं इसी तरह तुझे भी इलम नहीं है। ये उन पांच चीजों में है जिनका इलम सिर्फ किसके पास है, कयामत का इलम अल्लाह के पास है। ये सवाल और जवाब हुए, उठ के जाने लगा। जब चल पड़ा नबी करीम ने फरमाया उमर उठिए जल्दी इस बंदे को तलाश करो। जैसे ही वो मजलिस से निकला फरमाया जल्दी ढूंढो। निकलते हैं साहबे किराम दाएं बाएं, पूरा मदीना छान मारा कहां चला गया। फरमाया अल्लाह के पाक पैगंबर हमने तो हर तरफ देखा नजर ही नहीं आया। फरमाया नहीं आएगा, ये कोई देहाती नहीं, ये जिब्रील था, तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने आया था। अल्लाहु अकबर। तो जिब्रील का एक अंदाज ये है, आइए जरा एक और अंदाज बतलाने लगा हूं। पहली मुलाकात जिब्रील की और मेरे पाक पैगंबर की कहां हुई? गारे हिरा में। कहा गारे हिरा में, जब आपको उस वक्त तक नबूवत नहीं मिली थी, यानी आपको रिसालत का ऐलान का नहीं कहा गया था। फरमाते मैं इबादत में मसरूफ हूं गारे हिरा में, अचानक कोई शख्स दाखिल हुआ। जब दाखिल हुआ मैं भी खड़ा हो गया। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मुझे कहने लगे इकरा या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पढ़िए। मैंने कहा मा अना बेकारे, इनमें कारी नहीं हूं, पढ़ने वाला मैंने आज तक पढ़ा नहीं है। फरमाया अच्छा। फअखज़नी फगतनी हत्ता बलग मिन्नी अलजहदा, मुझे पकड़ा उस जिब्रील ने, सीने से लगाया, खूब दबाया, दबाने के बाद मुझे छोड़ा। फरमाया इकरा पढ़िए, मैंने वही जवाब दिया। कितनी दफा? तीन दफा यही जवाब देने के बाद
जब आपने तीसरी मर्तबा मुझे पकड़ा, सीने से लगाया और छोड़ा, तो साथ ही कह दिया इकरा बिस्मे रब्बिकल्लज़ी खलक। सूरह अलक की 5 आयतें बतलाईं और मेरी जबान पे कुरान जारी हो गया। ये पहली मुलाकात थी, ठीक है जी। अब दूसरी मुलाकात, लेकिन यहां एक बात की वजाहत जरूर समझा दूं आपको, आपको फायदा देगी कि अल्लाह के पाक पैगंबर ने जिब्रील को अपनी असली हकीकी शक्ल में सिर्फ 2 मर्तबा देखा है। अपनी असली हकीकी शक्ल में कितनी दफा देखा है जरा सुनाता हूं, हैरान रहोगे। पहला मकाम, और इंशाल्लाह मैं कुरान पढ़ूंगा, बाहर नहीं जाऊंगा कुरान और हदीस से। फरमाया पहला मकाम, अल्लाह के पाक पैगंबर फरमाते हैं मैं मक्का के बाहर अजियाद के महल्ले में जा रहा था, चलते हुए अचानक मैंने आसमान से आवाज सुनी। जब मैंने आवाज सुनी फैदा रफरफात रासी, तो मैंने आसमान की तरफ यूं निगाहें उठाई। फरमाया जब मैंने निगाह उठाई तो मैं देखता हूं कि फजा के अंदर उफक यानी जमीन से आसमान तक ये सारी फजा जो खला है, वही फरिश्ता जो गारे हेरा में आया था वो अपनी शक्ल में कुर्सी पर बैठा हुआ है, और इतना बड़ा वजूद है उसका कि सारी फजा जमीन से आसमान तक सारी फजा पुर हो गई, इतना बड़ा वजूद है उसका। सही मुस्लिम सही बुखारी। फरमाया इसी हालत में वो मेरे करीब हुआ, क्या हुआ, करीब हुआ, बस मैं घबरा गया। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते मैं क्या हो गया, घबरा गया, मुझ पे हैबत तारी हो गई, और मैं वहां से फौरन घर आया। घर आते ही का जमीलूनी दसिरूनी, मुझ पे कंबल डालो चादर ओढ़ो, इन्नी खशी तो अला नफसी, मुझे अपनी जान का खतरा लग रहा है। बुखार चढ़ गया, सर्दी लग रही, फरमाया मुझ पे कंबल ओढ़ो। ये पहला मकाम। दूसरी मर्तबा, ये मेरे सामने अल्लाह का कुरान है, जरा सुनिए और ईमान ताजा कीजिए। कुरान क्या कहता है, सूरत का नाम सूरत नजम है, 27वां पारा है, और सूरह नजम की इब्तिदाई आयतें। कुरान क्या कहता है, वन नजम इज़ा हवा, मैं इब्तिदाई आयतें भी पढ़ देता हूं ताकि आपको पूरा मजमून जहन में आ जाए। तवज्जो है, आप कुछ परेशान से बैठे हैं जी। नारे तकबीर अल्लाह, नारे तौहीद सुन्नत, मजमून पाकिस्तान, एकम जमशेद खान जिंदाबाद। मजमून कुछ अलग सा है तो बहुत सारे चेहरों को बड़ी हैरानगी में देख रहा हूं। एक मर्तबा ऐसे हुआ कि रात का कहीं बयान था मेरा, तो रात के अंधेरे में जब मैं बयान कर रहा था, इशा के बाद काफ़ी रात गुजर चुकी थी, तो उस वक्त मैंने मूसा अलैहिस्सलाम की सीरत पे बयान शुरू किया और तज़किरा करते हुए ये बयान यहाँ तक पहुँचाया कि मूसा अलैहिस्सलाम तूर पहाड़ पे पहुँचते हैं, आग नज़र आती है, जब आग को देखते हैं वो दरख्त में जल रही है, जब उस आग की तरफ बढ़ते हैं तो दरख्त पीछे भाग जाता है। अल्लाह के कलीम हैरानगी है, सफर भी है, अजनबी है, बीवी बीमार है रास्ते में, बच्चे की विलादत की तकलीफ में है, वैसे भी अजीब से हालात हैं, दरी इसना ये मुआजरा देखा कि सबज दरख्त में आग जल रही है, दरख्त भी नहीं जल रहा, और इतने में मैंने कहा कि नादा, अल्लाह ने ऊपर से आवाज दी कि इन्नी अनल्लाह,
کہ اے موسیٰ انی انا اللہ، بے شک میں اللہ ہوں. اللہ اکبر، سوچ میں بھی نہیں فرمایا میں اللہ ہوں. جب اللہ نے آواز، یہ قرآن کہتا ہے، میں نے بیان کیا، ایک نوجوان بعد میں مجھے ملا، کہتا ہے کہ اگر آپ دوسری مرتبہ کہہ دیتے تو میں مر جاتا. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں مجھ پہ اتنی ہیبت آ گئی اس کے انداز سے، کہتے ہیں میں نے پہلے نہیں سنا. تو کئی جبرائیل کا تذکرہ تو آپ سنتے ہیں، تھوڑا سا تعارف تو اجنبیت دور کیجئے. خدا را انشاءاللہ جبریل کی محبت بھی دیکھو گے تو آپ جھوم جاؤ گے. ذرا فرمایا کہاں سے بات چلائی تھی. قرآن کہتا ہے والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی، اذا ہوا جب وہ غروب ہو جائے، ما ضل صاحبكم وما غوا، ما ضل صاحبكم وما غوا. او مکے والو، تمہارا ساتھی میرا پیغمبر، ما ضل صاحبكم، تمہارا یہ ساتھی میرا پیغمبر یہ بٹکا بھی نہیں، وما غوا، اور یہ گمراہ بھی نہیں ہوا. طلباء کے لیے، ذوق رکھنے والوں کے لیے، قرآن کا ذوق رکھنے والوں کے لیے نقطہ عرض کر دوں، سمجھ میں آ جائے تو کہہ دینا سبحان اللہ. فرمایا والنجم اذا ہوا، ما ضل صاحبكم وما غوا، قسم ہے ستارے کی جب غروب ہو جائے، تمہارا ساتھی گمراہ بھی نہیں ہوا، بٹکا بھی نہیں ہے. اس کا پہلی بات کے ساتھ جوڑ کیا ہے، قسم ستارے کی اٹھائی جا رہی ہے، اس کے غروب ہونے کی اٹھائی جا رہی ہے، اور جواب قسم نے کہا جا رہا ہے کہ تمہارا ساتھی میرا پیغمبر گمراہ بھی نہیں ہوا، بہکا بھی نہیں، راستے سے ہٹا بھی نہیں ہے. جوڑ کیا ہے؟ جوڑ سنو پھر سبحان اللہ کہہ دینا. اللہ فرماتے والنجم اذا ہوا، جب ستارہ، سورج، چاند، ستارہ جب طلوع ہوتا ہے، اذا ہوا، پھر جب غروب ہوتا ہے، تو ہری پور والو، طلوع ہونے کے بعد ستارہ دائیں بائیں ادھر ادھر نہیں جاتا، طلوع ہونے کے بعد بالکل سیدھا اپنے غروب ہونے کی جگہ تک جاتا ہے. جہاں جیسے طلوع ہوتا ہے بالکل غلط نہیں ہوتا دائیں بائیں، سیدھا غروب ہونے کی جگہ تک جاتا ہے. فرمایا جس طرح ستارہ غروب ہونے تک اپنی منزل سے بھٹکتا نہیں، اسی طرح میرا پیغمبر بھی حق بات کہنے میں بھٹکا نہیں ہے. راستے یہ بالکل ٹھیک سمت جا رہا ہے. ما ضل صاحبكم وما غوا، اور آگے یہ جو قرآن سنا رہا ہے تو کوئی اپنی طرف سے نہیں، وما ينطق عن الهوى، یہ نہیں کہہ رہا، نہیں بولتا اپنی خواہش سے، یہ اپنی طرف سے نہیں بول رہا، ان هو الا وحی یوحا، نہیں ہے یہ مگر قرآن جو اس کی طرف وحی کیا جاتا ہے، ان هو الا وحی یوحا، نہیں ہے وہ مگر وحی ہے جو اس کی طرف کی جاتی ہے، یعنی اپنی خواہش سے نہیں بول رہا، میری وحی سے بول رہا ہے. اپنی طرف سے نہیں، میری وحی سے بول رہا ہے. آگے ذرا سنیے، اچھا یہ وحی کون لے کے آیا ہے، کس نے بتایا؟ فرمایا علمہ شدید القوا، یہ قرآن سکھایا ہے ان کو شدید القوا، سخت طاقت والے نے، کس والے نے؟ طاقتور نے، ذو مرتن، جو بڑی طاقت والا ہے، زور والا ہے. فستوا، پس وہ جبریل فستوا قائم ہوا، درست ہوا،
وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْعَالَى درا حالانکہ وہ جبریل افق اعلی میں تھا کدھر تھا آسمان کے افق کناروں میں تھا اور میرے پیغمبر نے ان کو دیکھا پھر کیا ہوا ثم دنا اللہ ثم دنا پھر وہ جبریل قریب ہوا میرے پیغمبر کے فتد اللہ پس اور قریب ہوا پتہ نہیں آپ سمجھ میں آ رہی بات فرمایا جبریل کو آسمان کے کھلے کناروں میں دیکھا ثم دنا پھر وہ جبریل قریب ہوا فتد اللہ اور نیچے ہوا قریب ہوا کتنا قریب ہوا فرمایا فکان قاب قوسین او ادنا فکان قاب قوسین او ادنا اتنا قریب ہوا جتنا تیر جو کمان کا ایک دھاگا ہوتا ہے اس کے برابر یا اس سے بھی زیادہ قریب قوسین ہر کمان کے اندر ایک تانت لگی ہوتی ہے کیا دیکھیے نا ایک رسی سی ہوتی ہے دھاگا جس کے اندر تیر کو ڈالا جاتا ہے اور کھینچ کے مارا جاتا ہے اس تار کے دو حصے ہوتے ہیں دستے سے اس طرف کا حصہ اور دستے سے اس طرف کا حصہ دستہ بالکل درمیان میں ہوتا ہے اس تار کے ان دونوں حصوں کو قوسین کہا جاتا ہے کیا ہاں تو ایک تیر میں ایک کمان میں دو قوسین ہوتے ہیں اب مانا ہوگا فکان قاب قوسین او ادنا جبریل اور میرے پیغمبر کے درمیان فاصلہ جتنے تی کمان کے دو قوسوں کا فاصلہ ہوتا ہے کمان کے دو قوسوں کا فاصلہ ہوتا ہے او ادنا یا اس سے بھی زیادہ قریب جبریل آ گیا میرے پیغمبر کے جبریل اس سے بھی زیادہ قریب آ گیا جب قریب آیا تو پھر کیا ہوا فاوحا الی عبده ما اوحا اللہ پھر اللہ نے اپنے بندے کی طرف کیا کی وحی کی یہ ایک مقام دوسری مرتبہ جبریل نے میرے پاک پیغمبر نے جبریل کو معراج کی رات دیکھا کون سی رات معراج کی رات جب آپ سدرۃ المنتہی پہ پہنچتے ہیں ساتوں آسمان اوپر سدرہ کہتے ہیں بیری کو کس کو بیری کے درخت کو عربی میں سدرہ کہتے ہیں اور منتہی کا معنی ہوتا ہے آخری بارڈر انتہا تو اس کو سدرۃ المنتہی آخری بارڈر والا درخت بیری کا یہ کیوں کہا جاتا ہے اس لیے کہ اس بیری کے آگے کوئی فرشتہ قدم بھی رکھ نہیں سکتا جبریل یہاں رک گئے اس سے آگے میرے پیغمبر چلے ہیں اللہ اکبر فرمایا سدرۃ المنتہی کے پاس جبریل کو میں نے اپنی اصلی شکل میں دیکھا اور یہ بھی قرآن کہتا ہے آئیے ذرا سن لیجئے فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى البتہ تحقیق میرے پیغمبر نے جبریل کو دیکھا ہے نزلتن اخرا اے مرتن اخرا دوسری مرتبہ کہا عند سدرۃ المنتہی سدرۃ المنتہی کے پاس یہ سدرۃ المنتہی کہاں ہے عندہا جنت المأوی اسی کے پاس جنت المأوی ہے وہاں جبریل کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے جب جبریل کو دیکھا اس نے پر کھولے تو 600 پر تھے کتنے پر 600 پر تھے جبریل کے اور جب اس نے پروں کو کھولا مشرق سے مغرب تک ساری فضا کو پر کر دیا اور فرمایا صحیح مسلم ترمذی کی حدیث ہے کہ میں نے جبریل کے پروں کو جب کھلا ہوا دیکھا تو آپ کے پروں سے یاقوت جواہرات گر رہے تھے ایسے گر رہے تھے قیمتی جڑ رہے تھے
عجیب منظر ہوگا، اللہ اکبر۔ میں کبھی کبھی کہتا ہوں نا کہ یہ قیامت بھی ایک بہت دلچسپ معرکہ ہوگا۔ کیا ڈر ہیبت سب چیز اپنی جگہ، لیکن یہ اس لحاظ سے بھی ایک عجیب معرکہ ہوگا، ہنگامہ ہوگا، کہ اس دن ہم ان ساری حقیقتوں کو دیکھیں گے، جن حقیقتوں کو ہم نے سنا تھا دیکھا وہ دیکھیں گے وہاں۔ تو جب جبریل کو ادھر دیکھو گے نا، میری یہ تقریر یاد آئے گی، اللہ ہمیں دکھائے وہ منظر کیا ہم مسجد نمرہ میں بیٹھ کے بھی سنا کرتے تھے۔ تو جبریل کو دیکھو گے، میکائیل کو دیکھو گے، اسرافیل کو دیکھو گے۔ کون سا اسرافیل؟ جب قرب قیامت، جب قیامت برپا ہوگی، جب اس باجے اور بگل کے اندر وہ پھونکے گا، ایک باجا اس نے منہ میں لیا ہے، سور کا معنی وہ ہوتا ہے، تو دنیا کی ہر چیز ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ اور وہ جب سے اللہ نے اسرافیل کو پیدا کیا ہے، اس نے وہ بگل منہ میں لیا ہے، انتظار میں کھڑا ہے، اس کا اور کوئی کام نہیں، وہ اسی انتظار میں کھڑا۔ اور اہل تاریخ نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس کا سور اتنا بڑا ہے کہ یہ ساری زمین اگر اس میں ڈال دی جائے تو یوں لگے گا جیسے گندم کا دانہ پھینکا ہے۔ تو جبرائیل کا عالم کیا ہوگا؟ اور پھر عجیب منظر نہیں ہوگا کہ اللہ کے پاک پیغمبروں کو دیکھیں گے، سید الانبیاء کو دیکھیں گے، پھر ان سے ایک قدم آگے بڑھ کے خود اللہ کریم کو دیکھیں گے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ تو بات کر رہا تھا جبریل کو دو مرتبہ دیکھا ہے، آئیے جبریل کا تعارف کرواتے ہوئے ایک قدم مزید بڑھتا ہوں کہ جبریل کیا ہے۔ یہ میرے سامنے تیسواں پارہ ہے اور سورت کا نام سورت التکویر ہے۔ اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا انہو لقول رسول کریم، انہو لقول رسول کریم، ذی قوت عند ذی العرش مکین، مطاع ثم امین۔ یہ قرآن تو معزز فرشتے کا لایا ہوا کلام ہے۔ کون سا معزز فرشتہ؟ ذی قوت، جو کیسا ہے؟ ذی قوت، قوت والا ہے، عند ذی العرش مکین، عرش والے کے یہاں بہت بڑے مرتبے والا ہے، مطاع، اس کی بات وہاں مانی جاتی ہے، ثم امین، اس کی بات وہاں مانی جاتی ہے، امین، اور ہے بھی امانت دار۔ یہ جبریل کا تعارف ہے۔ اب ایک قدم ذرا اور آگے سن لیجئے تاکہ ذرا مزہ آ جائے۔ نبی کریم کا جبریل کے ساتھ اتنا پیار بڑھ گیا، اتنا پیار بڑھ گیا، بعد میں، ابتدا میں تھوڑا اجنبیت تھی، پھر کیا ہو گیا؟ محبت اتنی بڑھ گئی کہ میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے اور سورت کا نام سورت طہٰ ہے۔ جبریل آتے ہیں، حدیث پڑھتا ہوں پھر آیت پڑھتا ہوں۔ جبریل آتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل کیا وجہ ہے؟ یا جبریل ما یمنو کا ان تزورنا اکثر مما تزورنا، او جبریل کیا وجہ ہے تو ہماری زیارت کے لیے بہت کم آتا ہے؟ یعنی تو جتنا آتا ہے اس سے زیادہ کیوں نہیں آتا؟ آپ مجھے یاد آتے ہیں، آپ زیادہ کیوں نہیں آتے جلدی؟ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر اکثر کبھی کبھی گفتگو میں بھی یوں آسمان کی طرف دیکھتے کہ کاش جبریل آ جائے۔ جبریل، فرمایا جبریل تیری ملاقات کا اتنا شوق ہوتا ہے، تو بار بار جلدی کیوں نہیں آتا؟ جلدی آیا کرنا،
तो जवाब सुन लीजिए हरिपुर वालों। जिब्रील सूरह मरियम आयत नंबर 64 अल्लाह का कुरान क्या कहता है, जिब्रील ने कहा تنزلوا الا بامر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا, हम अपने रब के हुक्म के बगैर नहीं उतर सकते। फरमाया ये जो हम उतरते हैं किसके हुक्म से उतरते हैं, ये अपनी मर्जी से नहीं आते। इतनी ताकत लेकिन नीचे उतरना रब की इजाजत के बगैर जिब्रील के बस में नहीं है। अल्लाह हो, हम रब की इजाजत के बगैर नहीं आ सकते। और आज आप भी जरा सुन लीजिए, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया सही बुखारी मुस्लिम कि अल्लाह जब किसी बंदे से प्यार करते हैं, किससे, ऐसे भी तो बंदे हैं जिनसे अल्लाह प्यार करता है जी, अल्लाह हमें उन्हीं में कर दे। फरमाया इन्नल्लाह इज़ा अहब्बा अब्दन, जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करते हैं तो नादा जिब्रील, जिब्रील को आवाज देते हैं, ओ जिब्रील इधर आ। जिब्रील अल्लाह की बारगाह में हाजिर होता है, अल्लाह फरमाते हैं ओ जिब्रील फलां बंदा जो जमीन पे है, फलां का बेटा, फलां बंदा, मैं तेरा रब उससे प्यार करता हूं, फअहिब्बहू, ओ जिब्रील तू भी इससे प्यार कर। मैं उससे प्यार करता हूं, जिब्रील तू भी उससे प्यार कर। तो जिब्रील कहते हैं अल्लाह जिससे आप प्यार करते हैं उससे हम प्यार क्यों ना करें। जिब्रील नीचे उतरता है, बाकी फरिश्ते कहते हैं मादा काला रब्बुना, ओ जिब्रील रब ने क्या आर्डर जारी किया है, रब ने क्या हुक्म जारी किया है, हरिपुर वालों सुनिए। तो जिब्रील बाकी फरिश्तों से कहते हैं कि अल्लाह ने मुझे बुला के ये कहा है कि मैं फलां बंदे से प्यार करता हूं, तू भी उससे प्यार कर। तो फरिश्ते कहते हैं आपने क्या फरमाया, जिब्रील कहते हैं जिससे रब प्यार करे उससे जिब्रील क्यों ना प्यार करे। तो सारे फरिश्ते कहते हैं जिससे अल्लाह और जिब्रील प्यार करे उससे हम सारे फरिश्ते क्यों प्यार ना करें। तो आसमानों में फरिश्तों का महबूब बन जाता है, फिर इस मोहब्बत का कोई नतीजा भी निकलता है। हाँ हाँ, वो भी जरा सुनिए, वो क्या है, अल्लाह ऐसे बंदे को जमीन में कबूलियत अता कर देते हैं, ना किसी को उसके रंगत से कोई वास्ता, कोई नसब और कौम से वास्ता होता है, लेकिन लोग उस पे मरते हैं, मोहब्बत करते हैं। सच बताओ, अल्लाह प्यार करे, जिब्रील करे, फरिश्ते करें, तो जिन के दिलों में ईमान होता है वो भी उससे क्या करने लगते हैं, प्यार करने लगते हैं, बस वो लोगों के दिलों में बसने लगता है। अल्लाह, तो जिब्रील की मोहब्बत का भी एक अंदाज मैंने आपके सामने पेश किया। और एक और अंदाज भी सुन लीजिए, बात तवील होती जा रही लेकिन खैर मैं कह देता हूं। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत अबू सईद फरमाते हैं कि जिब्रील नबी अलैहिस्सलाम के पास आते कभी तो क्या कहते, जब अल्लाह के पैगंबर बीमार होते तो जिब्रील आते, सही मुस्लिम की हदीस है, जिब्रील ने आके पूछा कि या मोहम्मद इश्तकैता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए अल्लाह के पैगंबर क्या आप बीमार हैं, क्या आपको कोई तबीयत नासाज है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया नाम, हाँ मुझे बुखार है, बीमार हूँ। तो जिब्रील नबी को दम भी डाला करते हैं, वो दम आपको भी सिखा दूं जी,
आप भी डाला करें। और नबी अलैहिस्सलाम को जिब्रील के वास्ते से ये मिला है, अपने बच्चों को दम किया करो मेरे भाइयों। तो जिब्रील ने कहा आप पे हाथ रखते और क्या कहते हैं, बिस्मिल्लाह अरकीका मिन कुल्ली शैइन युज़ीका व मिन शर्र कुल नफ्सिन औ ऐन हासिदिन अल्लाहु यशफीका बिस्मिल्लाह अरकीका। माना समझो इसका माना क्या है, बिस्मिल्लाह अरकीका, अल्लाह के नाम की बरकत से मैं आप पे दम डाल रहा हूं। किसके नाम की बरकत से? अल्लाह के नाम से आपको दम कर रहा हूं। मिन कुल्ली शैइन युज़ीका, हर उस चीज से दम डाल रहा हूं जो आपको तकलीफ देती है, ताकि वो तकलीफ वाली चीज खत्म हो जाए। मिन शर्र कुल्ली नफ्सिन, हर नफ्स के शर से आपको दम डाल रहा हूं। अच्छा, औ ऐन हासिदिन, हसद करने वाले की आंख से भी आपको क्या डाल रहा हूं, दम डाल रहा हूं। अल्लाहु यशफीक, अल्लाह आपको शिफा दे, बिस्मिल्लाह अरकीक, अल्लाह के नाम से आपको दम कर रहा हूं। ये कलिमात याद कर लीजिए, अपने बच्चों को घर में कोई हो इसको पढ़ के दम किया करें, तो आपको कभी ठगों के हाथ कभी मुगालते नहीं लगेंगे। मुसीबत ये है, हम कुरान और सुन्नत की तरफ आते नहीं हैं और ठगों के हाथ लग जाते हैं, ठीक है ना, जो कभी नाखन में आपको चोर बताते हैं, देखें ऐसे लोग ना, नाखन में जी चोरी किसने की वो नाखन में बता रहा है, उसका नाखन है या पता नहीं वो सीसीटीवी कैमरा है। हमारे धड़ाधड़ लोग जा रहे हैं, कोई बैठा हुआ है सलवारें नाप रहा है, कमीज नाप रहा है। मैंने एक मौलाना साहब से और सलवार कमीज भी कौन सी, लोग जाते हैं जी बीवी पे कुछ हुआ है, वो कहते हैं अच्छा बीवी की वो सलवार लेके आना, वो कमीज जो धोई भी ना हो, जो पहन के भी उतारी हो। फिर ये लोग उनके पास लेके जाते हैं, फिर वो कुछ अंतर मंतर जंतर पढ़ते रहते हैं, फिर फीता रखा होता है उसको नापते हैं, दम से पहले भी नापते हैं और मंत्र शंतर पढ़ने के बाद भी नापते, कहते हैं ओहो कमीज लंबी हो गई है, तो कमीज क्या हो गई, छोटी हो गई है। वाह भाई, तेरे जंतर मंतर का कमाल, कमीज बड़ी भी हो रही है और क्या हो रही है, लोगों को उल्लू बना रहे हैं। लोग कहते हैं बस ठीक है। मेरे दोस्तों, ये चीज़ें अल्लाह की किताब से और नबी के फरमान से याद कर लो, कभी ऐसे धोखेबाजों के पास जाने की ज़रूरत है। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।